बोंजूर सलाम नमस्ते। आइए आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा फ्रेंच सीखे एट जी मेल डॉट कॉम पर एक ईमेल एड्रेस है जिस पे आप मुझे ईमेल करते हैं और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जवाब देती हूँ। मेरा एक फेसबुक पेज भी है फ्रेंच सीखे दुमिलची सैद। काफ़ी लोगों ने मुझे उस पेज पे ज्वाइन किया हुआ है, आप में से काफ़ी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो अगर आप अपनी फ्रेंच और इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिटन भी, लिखने वाली भी, और छोटी छोटी वोकेबुलरी है फ्रेंच की जिसमें आपको डाउट होता है, छोटे जो सेंटेंसेस हैं जो कैसे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आपको कभी डाउट होता है तो उस पेज के ऊपर मैं छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ और आप चाहें तो वहाँ पे आके अपनी फ्रेंच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में वॉन प्रीवे और शोहम प्रीवे के लिंक डाले थे, तो आप ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट, नया अकाउंट, फ्री अकाउंट है उस वेबसाइट पे, आप में से काफ़ी लोगों ने अकाउंट बनाए हैं और मुझे मैसेजेस भी आपने किए हैं कि आप में से काफ़ी लोगों को उस वेबसाइट के बारे में पता नहीं था और आपने डिस्कवर किया है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं अच्छे रेट पे। तो आप चाहें तो आप अपने मर्जी से कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, नहीं भी है तो अकाउंट बना हुआ है रेगुलरली देख सकते हैं, हो सकता है आपको कोई चीज़ आपके मतलब कि अच्छे रेट पे मिल जाए। तो आज की क्लास जो है वो कॉन्जिशनल के ऊपर है, आखिरी क्लास है इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि कॉन्जिशनल जो मैंने आपको आज तक बताया है वो बताया है, ये है कि कॉन्जिशनल तब यूज होता है जब आप किसी से इज्जत से बात करते हैं। कॉन्जिशनल और जगह भी यूज होता है। क्या आपने ध्यान दिया है जब से आप ये कॉन्जिशनल की वीडियो सुन रहे हैं आपके आसपास जो फ्रेंच लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं क्या वो कॉन्जिशनल यूज करते हैं या नहीं, क्या आपने उनको सुना है? अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जो आपने बहुत बार सुने होंगे उनके मुंह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब समझ में आ रहा है कॉन्जिशनल बहुत यूजफुल है। Tu devrais boire plus souvent. अगर आपसे कोई कहे tu devrais boire plus souvent या tu devrais boire plus d'eau. Boire plus souvent मतलब पानी की बात हो रही है। Tu devrais boire plus d'eau. आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो जब ये आप ऐसा बोलते हैं तो आप किसी को एडवाइस देते हैं, कौंसेये करते हैं। तो जब आप कौंसेये करते हैं तो कॉन्जिशनल यूज कर सकते हैं। Tu devrais boire plus souvent. तुम्हें पानी ज्यादातर पीना चाहिए। Tu devrais boire plus d'eau. तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक है। ये एक पहला यूज होता है कॉन्जिशनल का। दूसरा यूज होता है कॉन्जिशनल का, अगर मैं आपको कहती हूँ j'aimerais aller en Suisse, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, तो मैं अपनी एक डिजायर, अपनी कोई ख्वाहिश बता रही हूँ, सुए या डिजीर। सुए je te souhaite, सुएते करना, डिजायर करना, सुए। अगर मैं आपको किसी अपनी डिजायर के बारे, किसी ख्वाहिश के बारे में बता रही हूँ तो मैं तब भी कॉन्जिशनल यूज कर सकती हूँ। J'aimerais aller en Suisse. J'aimerais venir chez toi. तो अच्छे तरीके से अगर अच्छी फ्रेंच में बात करनी है तो कॉन्जिशनल रेगुलर यूज करें और आप देखें आपकी फ्रेंच और भी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा, कॉन्जिशनल में अगर मैं आपको बोलती हूँ इल से पूरे, हो सकता है इल से पूरे किल प्लेव दमा, कि कल बारिश हो। प्लुवार बारिश होना, किल प्लेव बारिश होगी, किल प्लेव दमा, इल से पूरे किल प्लेव दमा। तो मैं अपना एक अंदाजा लगा रही हूँ, अंदाजा लगाने को इपोतेस कहते हैं। जो आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे इपोतेस वर्ड, क्योंकि आपकी पढ़ाई में आपको यूज होने को काफी यूज होता है इसका। इपोथेस करें कि कैसे क्या हो सकता है, तो जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो इपोथेस वर्ड काफी यूज होता है। इपोथेस करना मतलब अपना अंदाजा लगाना। इल से पूरे किल प्लेव दमा। और जो आखिरी ऑप्शन है इसकी कॉन्जिशनल, हम ये तो प्रेजेंट में मैंने बताया था, पासे में भी यूज होता है। पासे मतलब कोई पुरानी बात आपने बोलनी है, जैसे कि आपने किसी को फेयर दे होप होश, किसी को होप खोशे करना मतलब किसी को होप खोशे करना, je trouve pas le mot, होप खोशे करना मतलब किसी की शिकायत करना है, किसी को कुछ ऐसा कहना, या exprimer des regrets, exprimer des regrets, regrets मतलब पछतावा, j'ai des regrets, मुझे पछतावा है। faire des reproches, किसी को कुछ कमेंट करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, या exprimer des regrets। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ सेंटेंसेस के, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल किस तरीके से यूज होता है। अगर आप किसी को बोलते हैं कोई बंदा लेट आ गया, तो आपने उसको बोलना है कि तुम टाइम पर भी आ सकते थे,
तो ये पुरानी बात है, पास्ट की है, लेकिन अभी बात हो रही है. वूज ओरिए प्यू आरिवे आ लर, तुम टाइम पर आ सकते थे. अगर तो प्रेजेंट में बोलना है कंडीशन में, वूज ओरिए आरिवे आ लर, लेकिन क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो वूज ओरिए प्यू आरिवे आ लर. अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कंडीशनल इतना आसान नहीं है. इसलिए मैं टॉपिक काफी टाइम से अवॉइड कर रही थी क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको कंडीशनल समझने की जरूरत है अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए मैंने फिर भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है. आप सेंटेंसेस रट्टा लगा लें अगर कुछ आपको नहीं समझ में आते, क्योंकि ग्रामर सब कुछ समझना जरूरी नहीं है. ये रट्टा लगा लें सेंटेंसेस, वूज ओरिए प्यू आरिवे आ लर, तीन चार बार याद करेंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा. लिख के रख लें तो ये सेंटेंस आपको काफी कॉमन है, यूज होता है. अगला सेंटेंस, je n'aurais pas dû lui dire que je déménage à Paris. Je n'aurais pas dû, मुझे उसको नहीं बताना चाहिए था, lui dire, उसको, que je déménage à Paris, कि मैं पेरिस में déménager हो रही हूँ. déménager होना, शिफ्ट होना, मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना घर बदलना. Je n'aurais pas dû lui dire que je déménage à Paris. Si j'avais su, अगर मुझे पता होता, अभी भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं. Si j'avais su, अगर मुझे पता होता que tu étais libre, कि तुम फ्री हो, je serais venu te voir, मैं तुमसे मिलने आ जाती. Je serais venu te voir. और आखिरी सेंटेंस, j'aurais aimé que tu me téléphones, मुझे खुशी होती, मुझे अच्छा लगता कि तुम मुझे फोन करते. j'aurais aimé, अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात है, लेकिन मुझे खुशी होती अगर तुम मुझे फोन करते. तो ये थी कंडीशनल की क्लास. अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले कमेंट में एक ऐसा वर्ड लिख के जाएं जो आपने नया सीखा है इस वीडियो में, क्योंकि आज मैंने काफी वोकैबुलरी के वर्ड यूज किए हैं. तो मिनिमम कमेंट में एक ऐसा वर्ड लिख के जाएं जो आपको नया सीखने को आज मिला है. मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.